दर्शकों का स्वागत है अज के खास प्रोग्राम दे विच। खास इसलिए क्योंकि अज वो बच्चे जिहड़े ये सवाल कर रहे सी भी आस्ट्रेलिया वीज़ा आ रहा है या नहीं, मिल रहा है या नहीं असैसमेंट लैवल 3 च आने तों बाद, उन्हां लई शो बहुत खास रहेगा। अज दा शो उन्हां लई बहुत खास रहेगा जिहड़े यूके बारे एग्जैक्टली प्रेजेंट सनैरियो नूं लैके चिंतित सीगे भी प्रेजेंट सनैरियो या आने वाला फ्यूचर आफ्टर जदों मार्च मई या सितंबर की गल हुंदी है की रहेगा। तीसरा उन्हां लई जिन्हां दे आयल्स बार बार करन दे बावजूद एक जिहड़ा है प्रॉपरली आयल्स बैंड नहीं आ पा रहे, उन्हां लई की करना चाहिए, उन्हां नूं की स्टैप लैना चाहिए, ये सारी गलबात करन दे लई इन्हां दे एक्सपर्ट वैसटर्न ओवरसीज़ तो चाहे मैं आयल्स दे कहां चाहे स्टूडेंट वीज़ा दे, दोनों ही चीज़ों दे अपनी अपनी महारत हासिल की है वैसटर्न ने। प्रदीप जी मेरे नाल मौजूद रहेंगे, भाजी बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू। एंड सर आयल्स रियलिटी टेस्ट के साथ पीटी की बात कर सकते हैं, पीटी रियलिटी टेस्ट भी हम आज की डेट में बाहर इवेंट्स बुक करके मतलब आउट ऑफ ऑफिस जाके भी कर रहे हैं। भाजी पहले तो चलो बाकी सिलसिले बाद शुरू कर दें, तुम आ जाने भी ये नवी नवी चीज़ा लैके आना नवा कोई कर लिया हूँ तुम आयल्स रियलिटी टेस्ट दस अ वेरी न्यू थिंग फॉर द स्टूडेंट्स भी वो बेनीफिट्स भी काफ़ी ने लिया, काफ़िया पता लग गया भी एक्चुअल वो स्टैंड कितने करते हैं, सेम माहौल मिले, सेम सारा कुछ। हूँ तुम पी टी लैके भी क्योंकि पी टी सी डी आयल्स दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल जी 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 वो भी शुरू कर लिया, हूँ तुम सिस्टम भी लैके जाओगे वो माहौल दोगे जी 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 कितों आइडियाज लें ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਸੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਨਕੋ ਸੇਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਮੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮੇ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਤਾ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਤਾ, ਤੋ ਆਈਡੀਆ ਵਹੀਂ ਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਮ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸੇਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਚ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 13,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, 13,250 ਅਬ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀ ਔਰ 13,000 ਰੁਪਏ ਪੀ ਟੀ ਕੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੋ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤੇ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀ ਟੀ ਪੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਤਾ ਔਰ ਉਸਕਾ ਟਾਈਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਪ ਪੜ ਜਾਤਾ, ਗੈਪ ਪੜਨੇ ਕਾਰਨ ਉਸਕਾ वीज़ा ही नहीं आता क्योंकि ना तो उसका बैंड स्कोर आया, बैंड स्कोर आया तब तक वो 3-4 साल या 2 साल निकल गए या फिर उसका इनटेक निकल जाता था या उसको डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज कोर्स नहीं मिल पाता था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने आयल्स रियलिटी टेस्ट स्टार्ट किया था इस साल और हमने तकरीबन अब तक 40-50 इवेंट्स हम कर चुके हैं, हज़ारों बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा के एक्यूरेट स्कोर लेके आज की डेट में अब्रॉड जा चुके हैं। सर देखिए होता क्या कि बच्चों को पता ही नहीं होता फाइनल एग्जाम होता कैसे है और जब वो बच्चे की जब फियर फोबिया एंजाइटी नर्वसनेस सारी चीज़ें घेर लेती हैं बच्चे को, बच्चे का की प्रिपरेशन अच्छी है लेकिन जो फाइनल एग्जाम में जाते हैं तो बत्ती गुल हो जाती है तो उससे बच्चे का स्कोर नहीं आ पाता, परफॉर्म नहीं कर पाता। जब बच्चों को हम आयल्स रियलिटी टेस्ट, पीटी रियलिटी टेस्ट, इवन के सीडी रियलिटी टेस्ट, ये सारा इन्वायरमेंट बच्चों को दे रहे हैं तो अब बच्चे तो मतलब एक तरह से इसको मतलब पीछे मैंने एक स्टूडेंट का टेस्टिमोनी लिया पानी अपने कहने में पटियाला ऑफिस पटियाला में हम फेयर वो कर रहे थे इवेंट कर रहे थे तो बच्चा बोलता है जी मैं तो है ना मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो ना ट्रॉली भर भर के बच्चों को लेके आऊँगा ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लेके आऊँगा, तो मतलब अच्छा लगा बच्चों को। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका जो हमने बताया सेम उनका अच्छा, स्कोर आया है। एक चीज़ माफ़ करना थोड़ा विच टोक के कहना चाहना जो तो ऑफ द रिकॉर्ड साड़ी गल चलती है तो शायद कई लगता भी ये एक जो मिनिमम जो चार्जिज लेंगे ने तो शायद उतों कमाई करते हैं, एक बेनीफिट है। मैं लिटरली दस रहा कई बार पुछते उन्हें भाजी भी सही रहा है, इन्हों का जवाब रहा भाजी ये हर एक टैसट के मैनू अपने कोलों पैसे पाने पैंते ने, इस मैनू फायदा नहीं हों नुकसान हों बट हाँ फायदा हों स्टूडेंट्स हों एक्चुअल इनफॉर्मेशन मिल जाती है जो साडा फर्ज है। जे मैं स्टूडेंट वीज़ा चो कमा लैन्ना तो इतने उन्होंने किसी तरीके वापस मोड़ दिना तो मैं लगता मैं उन्होंने बेनीफिट लिए कोई काम कर सकियाँ, भाजी घाटे पा के भी काम करी जाने। देखो सर ये ना कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं हमारी, ये है एक तरह से स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन का बिजनेस। ये मुझे मतलब जेकर बच्चे को मैं इस तरह से काम आ गया किसी भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहा है, मैं आयल्स रियलिटी टेस्ट या पीटी रियलिटी टेस्ट या सीडी रियलिटी टेस्ट में उसको मैंने परफॉर्म करके दे दिया और बच्चे का स्कोर आ गया, वो बच्चा पूरी ज़िंदगी याद रखेगा पूरी ज़िंदगी। असल मल्टीपल बिजनेस है, एक बच्चा सेटिस्फाई हो गया कनाडा सेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया सेट हो गया, न्यूजीलैंड सेट हो गया, कहीं भी सेट हो गया, वो बच्चा अपने आप पूरी ज़िंदगी कहेगा यार वेस्ट ओवरसीज प्रदीप बालन के पास ले जाना। तो इट्स ए माउथ पब्लिसिटी बिजनेस, एक बच्चे की दुआएं जो काम आती हैं वो कई गुणा भगवान अपने आप दे देता है, पहली बात। दूसरी बात, खरीदी नहीं जाती ये रियली सर, मतलब इतने बच्चे मतलब अब तो फाइट करते हैं बच्चे जी मेरी सीट बुक कराओ और हमारे पास सीटें नहीं होती। मैंने याद है लास्ट पटियाला जो एक इवेंट किया ऑलरेडी इन्ना क
भर गया सी या ओवर बुकिंग सी जो सेकंड भी नाल करना पे आपके जी जी बाद। जी मतलब हम दे नहीं पाते बच्चों को क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं, तो इस कारण से। तो फिर भी मैं बताना चाहूँगा 21 दिसंबर को कमिंग सैटरडे को हमारा चंडीगढ़ में IELTS टेस्ट हो रहा है होटल होमटेल में, तो चंडीगढ़ या आसपास के स्टूडेंट्स के लिए कहीं भी आप रह रहे हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। साथ साथ में जनवरी हमने स्टार्ट कर दिया है, जनवरी में हम 2 दिन में 3 टेस्ट करने जा रहे हैं, बठिंडा में है। 17 जनवरी को IELTS टेस्ट होगा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल में, 18 जनवरी को नेक्स्ट डे हमारी टीम वहीं रात को सोएगी होटल में ही, नेक्स्ट डे हम PT रियल्टी टेस्ट भी कर रहे हैं और CD IELTS टेस्ट भी कर रहे हैं। ये बच्चों की डिमांड पे हम कर रहे हैं और ये बहुत बड़े एफर्ट्स होते हैं अमन सर इसमें कि कंप्यूटर्स लेके जाना, कंप्यूटर लैपटॉप लेके जाना, क्योंकि IELTS टेस्ट तो उसमें देखिए कागज़ पेन यूज़ होते हैं, पेपर पेन यूज़ होता है, लेकिन जब PT रियल्टी टेस्ट है, CD रियल्टी टेस्ट है, उसमें क्या नाम है कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ होता है और वहाँ पे वाईफाई देना और हर एक चीज़ देना, तो ये इट्स ए डिफरेंट यूनिक है, बट स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है। एंड होप सो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो याद रखना 21 दिसंबर को हम होटल होमटेल चंडीगढ़ में रियल्टी टेस्ट कर रहे हैं और 17 जनवरी को होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल बठिंडा में IELTS टेस्ट, नेक्स्ट डे PT रियल्टी टेस्ट 18 तारीख को और CD IELTS टेस्ट हो रहा है। वेबसाइट पे जाइए www.IELTSTest.com और वहाँ पे चेक डेट्स पे जाके आप अपना फॉर्म भरिए, ऑनलाइन आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या आप नियरेस्ट ब्रांच में जाके भी आप विजिट कर सकते हैं या फिर 9115017017 पे कॉल करके भी आप अपनी डेट बुक करा सकते हैं। पाजी एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यहाँ पे, IELTS टेस्ट की PT की हम बात कर चुके हैं, जब मैं आपके स्टूडियो आ रहा था तो मैं कुछ अपनी डायरी में लिख रहा था, अभी पिछले ना हफ्ते 10 दिन में मेरे को काफ़ी ऐसी चीज़ों ने परेशान किया है, जो बच्चे चले गए बाहर और वो लोग अपने करियर को लेके इतने सिंसियर नहीं होते, तो मैं मतलब बड़ा हार्टेड हूँ इस चीज़ को लेके। अभी भी मैं जब अपने चंडीगढ़ ऑफिस से आपके सेंटर में आ रहा था, तो आपके स्टूडियो में आ रहा था, तो मुझे 2 या 3 बच्चे मिले ऐसे, तो बच्चे अवेयर नहीं है या पता नहीं जानबूझ के ऐसी मतलब हरकतें कर रहे हैं। एक बच्चा अभी मेरे पास गंगानगर से पहुंचता, 2 बार रिफ्यूज होके, तो उसने क्या किया, इवन कि उसने अपना 12th में उसके अच्छे मार्क्स थे, 62% मार्क्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स में 62, केमिस्ट्री में 64, बायो में 51। उसने स्टूडेंट्स के कहने पर अपना क्या नाम है सारे पेपर्स का 2 बार इंप्रूवमेंट कर दिया और बच्चे ने एफर्ट्स करे नहीं और किसी से सुन लिया कि यार आपका किसी भी अगर आने वाले जो मतलब आप जो इम्प्रूवमेंट देंगे तो इम्प्रूवमेंट में जिसमें अच्छे नंबर आए वो ऐड होके पुरानी मार्कशीट में आपको मिल जाएगा। बट आज की डेट में बोर्ड ऐसा नहीं कर रहा है, ध्यान रखना आपको जो आपको परफॉर्म किया है, जो आपके मार्क्स आए उतने ही मिलेगा। बच्चे ने क्या किया, कैम उसने बायो में तो नंबर्स आ गए उसके, 8 नंबर बढ़ गए, 51 से 59 हो गए, लेकिन जो फिजिक्स में वो एब्सेंट रहा और केमिस्ट्री में 6 नंबर आए, तो अब वो बच्चा कहीं नहीं जा पा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और कई बार बच्चे मैथ एडिशनल ले लेते हैं, तो प्लीज ऐसी कोई सिचुएशन ना करें। अगर आपको नहीं पता है तो एक्सपर्ट से एडवाइस लें, आपके रिश्तेदार कनाडा बैठे हैं चाहे ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। काफी ऐसे बच्चे आते हैं कि भाई मेरे रिश्तेदार ने बोला है, अरे भाई वो चले गए हैं, उनको सिस्टम से बाहर है, उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, या फिर आपके कोई स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स, आप इंडिया के हिसाब से आप प्लीज कुछ भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देना। थोनू साढ़े ही बड़े वधिया मित्र ने जी, कैनेडा दे लॉयर ने, वकील ने, उन्होंने इंडिया आना सी, फोन आया कहिंदा भाजी मैं इंडिया का वीज़ा लेना, मैं ऑनलाइन अप्लाई करदा या पेपर वीज़ा कर ला, की होया भाजी नहीं पता। असी इत्थे बैठे किन्ने सालों तो गल करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, कैनेडा की, अब्रॉड की, उन्होंने बारे नॉलेज है बिकॉज असी उस माहौल दे विच रह रहे हैं। जी जी, अपने देश का वीज़ा किसी नूं किवें मिलना है सानू नहीं पता। और अपने कोई स्कूल टीचर, अपने क्या नाम है फ्रेंड सर्कल से, रिश्तेदार से एडवाइस मत लीजिए। डॉक्टर को ही पता है कि कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं देनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली सर, मैंने पीछे अभी पास्ट में अभी क्या नाम है एक स्टूडेंट अभी मेरे को ना व्हाट्सअप कर रहा था, मेरा ही बच्चा बाहर गया हुआ है, दिल्ली से बच्चा बिलोंग करता था, पीछे उसका मैसेज आता है बल्ले बल्ले मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कल परसों उसने मेरे स्टेटस पे, मेरे फ़ोन के स्टेटस पे एक हेलो भैया लिख के डाला। मैंने कहा हाँ जी कैसे हो क्या कर रहे हो, बोला जी मैं तो वापस आ रहा हूँ। वापस मैं क्यों, बोला जी मैं डिपोर्ट हो रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, रीज़न क्या है, बोले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरा बैड लक, ठीक है भाई। किसने कहा था कि तेरी किताब थोड़ी पकड़ ली थी, मैं हुआ क्या, मुझे स्टोरी बता। बोला मैं गोरी के साथ लिविंग लिविंग रिलेशन में रहने लग गया।
अच्छा गोरी के साथ, और मुझे लगा मेरी पीआर आ जाएगी इसके बेस पे। और ये ये भी मतलब सलाह देती हो नहीं किसी ने? जिसने भी दी हो, पढ़ाई छोड़ दी, लिविंग रिलेशंस में लड़की के साथ रहने लगा गोरी के साथ, उसने कहना मैं अपना ब्रेकअप कर दिया, बोली मुझे अब आपके साथ रहना नहीं है। क्योंकि इंडिया तो है नहीं कि भाई एक जिससे शादी हो गई है तो उसके साथ मोस्टली मतलब हमें अपनी सोसाइटी को मेंटेन करना, इवन कि हम तो दिल से जुड़े होते हैं साथ फेरे लेके या जो भी है, ठीक है, आनंद कारज करा के तो। लेकिन वो लोग तो ऐसे नहीं है ना, पढ़ाई छोड़ दी, अब वो वापस आ रहा है, कभी अब्रोड नहीं जा पाएगा, कभी अब्रोड नहीं जा पाएगा। तो ऐसे प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। और कुछ पीछे ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं कि कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कि जो बच्चे रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए हैं, बच्चे चार पांच लड़के लड़कियां जा रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड का केस है, ब्राडा से स्टूडेंट था, ठीक है, तीन चार लड़के लड़कियां थे, पांच एक लड़के लड़कियां थे, और दूर जा रहे थे, नाइट में ट्रैवल कर रहे थे। तो अब वो क्या इंसिडेंट हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो मतलब मोस्टली मतलब एक तरह से उनकी मतलब डेड बॉडी आई है। फिर आप अगर देखें सीबीयू में एक बच्चा ऐसा एक्सपायर हुआ रोड एक्सीडेंट में, ठीक है, आप ब्रिटिश कोलंबिया में एक मेरा ही स्टूडेंट, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है। तो कहने का मतलब यह है सर, देखो आपने बाहर चले गए, मैं चाहता हूँ हर एक पेरेंट्स की आज की डेट में एक एक बच्चा ही है सर, एक बच्चा, और वही ना रहे तो क्या फ़ायदा। हम बच्चों को बाहर करियर बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ना हवा में उड़ने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो भूल जाते हैं कि हमारा हमारी जो हम लैंड कहाँ से कर आए लेंदे हो हैं। कहते भी हुण असी जी जी पता जी सानू सारा कुछ हुण तो लग वो मतलब गाड़ी उनको मिल गई, मतलब वहाँ ठीक है भाई, आपने विस्की वाइन ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन यार आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपका करियर है, आपके पेरेंट्स पीछे बैठे हैं। और तो प्लीज़ मैं आपके मतलब पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा लाइफ एक ही बार मिलती है, और हम आपको विदेश भेज रहे हैं, तो मतलब आपके बींग ए पेरेंट्स में बात कर रहा हूँ, तो मतलब हम सबको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसी कोई भी हरकत ना करे, कपड़ों से बाहर निकल के कोई भी ऐसी बदतमीजी ना करे। और बाहर का सिस्टम ऐसा है कि आप फाइट कर लोगे जब भी डिपोर्ट हो जाओगे, आप कोई गलत हैबिट में आ जाओगे तब भी डिपोर्ट हो जाओगे, और वहाँ पे तो गाड़ी इतनी फास्ट चलती है, जब फास्ट चलती है तो फिर एक्सीडेंट में ना बंदा ऊपर ही जाता है। तो प्लीज़ लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसी हरकतें ना करें। पिछले मतलब मैं पाँच छः बच्चों के इंसिडेंट ऐसे सुन चुका हूँ, मैं बड़ा हार्टेड हूँ इस चीज़ को लेकर। सेंसिटिव नेचर हैगी है जी, क्योंकि असी लास्ट मैं थोड़ा प्रैक्टिकली गल तो भी दसदा, थोड़ा पता लग जाए भी बंदा उदा गल नहीं कर रहा। असी हैलीफैक्स विजिट किया भाजी के भतीजे ने उत्थे, जिन्हां नूं असी काफ़ी बारी डिस्कस किया, शो च मिलाया भी। मैनू परसनली घट्टो घट्ट चार क बारी भाजी का फोन आया होना दो दिन च, ये अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनको डांट लगा देना, चांटा भी लगा देना, इनको गलत नहीं करने देना, गलत रास्ते नहीं जाने देना, गाड़ी तेज़ नहीं चलानी, हर रूल फॉलो करना है। सो ये मैटर कर दी है जो कोई अपना समझदा। याद है भाजी आशीष ते अंकित लई तुसीं कॉल कीती है? पांच छह बार फोन किया था मैंने आपको। सो बिल्कुल जी, वैसटर्न ओवरसीज जो थोड़ा एक सही गाइडेंस दे रहा है, वो पिछले मोटिव ये है भी एक सही जानकारी थोड़े तक पहुँच सके। मेरे ख्याल भाजी इमोशनल हो गए तुम इतने। क्या करें सर, ये एक्चुअली मतलब हर एक पेरेंट्स के, मेरे पास भी, मैं मतलब आई हैव वन सन, मेरे ब्रदर के पास एक है, मेरे दूसरे ब्रदर के पास एक है, एंड अगर वो नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे लाइफ में। वही जो बच्चे जो मैं मतलब इनमें जो ये तीन चार बच्चे मेरे ही स्टूडेंट्स, वो आज नहीं है इस दुनिया में। अच्छा नहीं लगता यार, ये लोग मतलब बाहर जाके ऐसी हरकतें करते हैं ना, मतलब कि गाइड की करना चाहते हो, ऐसे पेरेंट्स भी थोड़ा सुन रहे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, की कहना चाहते हो? देखिए लाइफ बहुत मतलब हम बाहर जा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, एक पर्पज़ है कि वो अच्छे पढ़ लें, सेटल हो जाएं और लाइफ में कुछ कर लें, माँ बाप का नाम रोशन करें। बच्चे यार कपड़ों से बाहर निकल जाते हैं, वहाँ जाते हैं ना अपने आप को, ना तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, फिर वो पढ़ाई के पैसे के पीछे लग जाते हैं, या फिर मतलब ऐसे कल्चर में रहते हैं सारे के सारे, चाहे हरियाणवी इकट्ठे हो गए चाहे या सारे पंजाबी इकट्ठे हो गए, माँ बहन की गाली देना और ये फालतू की हरकतें करना, वो भूल जाते हैं कि पेरेंट्स ने कैसे उनको भेजा है, पैसे लगा के भेजा है, किस तरीके से भेजा है। तो वो चीज़ें मतलब जब बच्चा ये अगर अपने जो प्रैक्टिकली जो लाइफ है, जो पीछे का जो उसके संस्कार है, अगर उसको छोड़ देता है ना, तो इसमें से क्या होता है, कुछ बच्चे तो संभल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बर्बाद हो जाते हैं। तो वो मतलब अच्छा ही नहीं लगता कि मतलब क्या यार, मतलब ये छोटी सी तो लाइफ है, इसमें अगर हम ऐसी हरकतें कर लेंगे तो माँ बाप का क्या होगा, माँ बाप कहाँ जाएंगे, कितने मतलब कितने दिल से उन्होंने भेजा है, वो वहाँ से कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ पेरेंट्स इतने एकदम एक टांग पकड़े हो जाते हैं, यार मेरे बेटे ने ऐसा बोला है। वो मतलब कई बच्चे तो ऐसे जो अंधकार में रखते हैं पेरेंट्स को, तो दैट इज टोटली रॉन्ग, उससे है ना बड़ा मतलब अच्छा नहीं है ये। तो बिल्कुल बहुत ही वधिया, मैं कहूँगा जे थोड़ा जा
इमीग्रेशन तो हट के इमोशनली मैसेज पहुंचे, बट ये बच्चों नू भी समझना चाहिए जो बाहर चले आ, एक अपनी नैतिक जिम्मेवारी अपनी रिस्पोंसिबिलिटी भी, एक माँ प्यो साढ़े तो इन्ना इनवैसट कर रहे हैं, उन्होंने भी कई सुपने सजाए हुए हैं थोड़े लिए, एक एक कला थोड़ा फ्यूचर नहीं है, थोड़े फ्यूचर नाल थोड़े पेरेंट्स का थोड़े फैमिली का फ्यूचर जुड़िया हुआ। सो बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन बाहर जाके लिया करो भी तुसी करना की है, क्योंकि छोटा जा डिसीजन नहीं है, लाइफ का डिसीजन है और वो बड़े ध्यान नाल लेना चाहिए। बैक टू टॉपिक, 21 दिसंबर नूं आयल्स रियलिटी टेस्ट चंडीगढ़ विच, 17 जनवरी बठिंडा, 18 नूं पीटी ते सीडी आयल्स टेस्ट जिहड़ा करवाया जा रहा है। ये खास सिर्फ उन्होंने बच्चों नहीं जेडे एक अपनी एक्चुअल जी स्टेज है वो जानना चाहते हैं, तो आयल्स बार बार करन दे बावजूद भी उन्होंने आयल्स बैन नहीं आ पा रहे। इस तो इलावा भाजी ऑस्ट्रेलिया लैके मैं थोड़ा जा जानना चाहता, जिन्होंने कन्फ्यूजन है भी हूँ असैसमेंट लैवल 3 च आ गया तो वीज़े नहीं आ रहे, थोड़ी की फीडबैक है? देखो जी, वीज़ा आ रहे हैं, एक दिन में एक मिनट में वीज़े निकल रहे हैं, जैसे ऑटो ग्रांट आ रहा है कि फाइल लगाई वीज़ा आ गया। आज की डेट में जैसे बच्चे कम हो रहे हैं क्योंकि उधर जा रहे हैं कनाडा या फिर यूके जा रहे हैं, तो आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया भी वीज़ा दे रहा है। एंड पाजी मेरे पास ये इनविटेशन है, कल मैं मतलब आज रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है, कल हमारी मीटिंग है हाई कमीशन वीज़ा ऑफिसर्स आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर के साथ, और ये होटल एलोफ्ट एरो सिटी न्यू दिल्ली में है, एरी मीटिंग है जिसमें वीज़ा ऑफिसर होंगे, उनसे इंटरेक्शन होगा और जीटी को लेके बात होगी, और टाइम टू टाइम इस टाइप की हमारी इंटरेक्शन हाई कमीशन के साथ होती रहती है। बिंग एरी मेंबर मुझे ये फ़ायदा मिलता है कि हम वीज़ा ऑफिसर से टाइम टू टाइम बात कर लेते हैं। तो आज की डेट में हाई कमीशन वीज़ा दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपका जीटी मैच होना चाहिए। आपको 2 साल से लेके 4 ईयर तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, तो बैक टू आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया कंट्री है और बड़ी अच्छे लेवल पे बच्चों की का करियर है, अगर बच्चा अपना अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है तो। जी, इतने मैं कुछ स्टूडेंट भी मिला देना चाहना थोड़ा जो ऑलरेडी वैसटर्न ओवरसीज तो सर्विसिज लै चुके हैं, ताकि जो स्टूडेंट फीडबैक देता ना तो अपने दिलों देता, जो होया वो दसदा। सो कुछ प्रोफाइल साढ़े मौजूद ने जी, जिन्होंने अलग अलग ऑफिसेज चो जिन्होंने सर्विस ली है, आओ मिलकर जानते हैं वेस्टर्न ओवर संबंधी। भावना शर्मा, माय नेम इज रुचि शर्मा, माय नेम इज स्वाति, आई एम फ्रॉम जलंधर ओनली। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैम इनजुबिटेबली इट इज द बेस्ट आई कैन से, इवन एवरीबडी ओवर हेयर इज हु हैज़ विटनेस्ड द गुड ट्रेड्स ओवर हेयर, हु हैज़ विटनेस्ड द वेरी गुड इन्वायरमेंट ओवर हेयर, दे आर प्रेजिंग इट एंड इट इज आई मस्ट से इट इज बियॉन्ड प्रेज। आई एम हेयर टू रिमूव माई हेजिटेशन ओनली। ऑल राइट, सो इज इट बेनिफिशियल फॉर यू? इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय वेस्टर्न ओवरसीज। यस, अभी आपने आईएलटीएस की कोचिंग भी ली होगी, राइट? राइट, आई हैव टेकन कोचिंग। हैव यू गिवन एनी मॉक टेस्ट इन योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द कोचिंग? यस, ऑन एवरी वीक वी हैव अ मॉक टेस्ट, सो आई गॉट 6.5, सो आई वांट टू ट्राई दिस रियलिटी एग्जाम टू नो माय बैंड स्कोर, हाउ कैन आई गेट इन रियल एग्जाम। सो माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड इन दिस एग्जाम, आई जस्ट फील रियली इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, सो आई रिकमेंड एवरीवन टू डू टू गिव दिस एग्जाम टू एनहांस देयर नॉलेज एंड एनहांस देयर कॉन्फिडेंस। Hi, what's your name? My name is Simran Verma. And where are you from? I'm from Ludhiana city. Okay, so आप लुधियाना से आए हो यहाँ पे आज टेस्ट देने के लिए? Yes sir. मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था एक्चुअली कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, सो इसलिए पीटी के टेस्ट जैसा ही है, सो इसलिए आई विल डेफिनेटली डू दिस। सो आई एम फील रियली गुड। यू फील रियली गुड? इट्स रियली अ फैंटास्टिक मोमेंट फॉर दिस। ओके, जो हम वहाँ रेगुलर करते हैं उससे तो बेटर ही था, क्योंकि हमें कुछ नया पता लगा, कुछ चेंजेस थे इसमें जो वहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे आके कुछ फील होता है कि हाँ पेपर आप दे रहे हो, पेपर में जाने से पहले एक अच्छी तरह से तैयारी कर पाता है, वहाँ पे यहाँ पे हो जाती है। सर मेरे को अच्छा लगा टेस्ट देके, मतलब इससे परफॉर्मेंस पता चलेगी मेरे को अपने, जैसे मैंने फाइनल एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ देना है सर, तो इससे मेरे को अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाए कि मैं मतलब किस लेवल तक हूँ। आपका कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्टअप हुआ सर इसको देने के बाद? यस सर, हाँ मुझे पता चला कि कैसे एग्ज़ाम को देना है, और एग्ज़ाम देने से पहले मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पर किस प्रकार का माहौल रहेगा, तो मैं उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाऊँगा। कैसा लगा सर आज टेस्ट देके? सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इससे मोटिवेशन मिला आगे के लिए,
पहले थोड़ा डर था पेपर के लिए, अब निकल गया वो, तो आगे मतलब कोई डर नहीं रहेगा और थोड़ा मोटिवेशन भी मिला, अच्छा भी लगा देखे। मुझे पहले एक्सपीरियंस नहीं था कैसे इसका क्या इन्वायरमेंट होता, बट मुझे अब समझ आ गया भी क्या इन्वायरमेंट है, क्या हमको चाहिए। तो सर मैं अब ये देख सकता हूँ भी मेरा लेवल क्या है। We got one Canada visa and the student is with me. Congratulations, Vishal. He got his visa within 3 days and the best thing about this profile is he has done PT and his overall score is 57, not less than 53. They told me that I need to improve my score. Then I started doing PT from here. Then I scored 57, score not less than 53. Then I started my visa filing process. I got an offer letter within 2 days and I got visa within 3 days. I will go to Ascender School of Management, which provides me 4 year. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ एंड 2018 में मैंने अपनी प्लस टू पास की थी विद कॉमर्स स्ट्रीम एंड आफ्टर दैट मेरे आईएलटीएस में 6.5 बैंड्स थे। उसके बाद मैंने काफ़ी कंसल्टेंट से अपने स्टडी रिगार्डिंग बात की, वी स्टडी रिगार्डिंग वीज़ा, बट मेरे को किसी से भी प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। आफ्टर दैट मैंने मेरे फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पे वेस्टर्न ओवरसीज पटियाला ब्रांच विजिट की, तो मेरे को पूरी सेटिस्फैक्शन मिली। विद इन 10 डेज मेरा वीज़ा है एंड मैं थैंकफुल हूँ पटियाला वेस्टर्न ओवरसीज की टीम का। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं पटियाला तो बिलोंग करता तो मैं 2016 से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी। उस तो बाद मेरे लिए वर्क एक्सपीरियंस है तो मैं बहुत कंसल्टेंट को गया से अपने स्टडी वीजा रिगार्डिंग, लेकिन सब तो वधिया मैंने कंसल्ट वेस्टर्न ओवरसीज वालों मिलया, जिस मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हाँ वेस्टर्न ओवरसीज का कि मैंने अपना स्टडी वीजा मिलया। मेरे फ्रेंड को सभी रिकमेंड करेंगा कि जरूर एक बार वेस्टर्न ओवरसीज होकर जाने ताकि उन्होंने वधिया तो वधिया कंसल्ट मिले। सो ऐसी गई कुछ स्टूडेंट जिन्होंने एक्सपीरियंस साझा किया, तो मन कोई भी सवाल है तुम डायरैक्टली इन्हों तक रबता कायम करके पूछ सकते हो। वेस्टर्न ओवरसीज के अलग अलग ऑफिस ने, कोई भी नेड़े पैंता उत्तर विजिट किया जा सकता है। अज्ज दे शो का समा नहीं अलाउ कर रहा अगे वधाउण लई डिस्कशन, बट उम्मीद करते हैं अज्ज दी शो की जिहड़ी इनफोर्मेशन है तुहाडे लई जिहड़ी है लाहेवंद रही होएगी। भाजी शो चलने लई बहुत बहुत धन्यवाद जी। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे परमिशन मिलनी चाहिए। कैनेडा बहुत बढ़िया जा रहा है जी, किसी का रिफ्यूजल है मिल सकते हैं, वीज़ा ले लेंगे। यूके आज की डेट में सितंबर जनवरी इनटेक है, जनवरी के बाद मार्च अप्रैल मई भी है और सितंबर भी है, तो प्लीज़ अगले शो में हम इसकी बात करेंगे। या फिर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, दो दो दिन में वीज़े आ रहे हैं, या फिर यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप में तकरीबन 14-15 घंटे वेस्टर्न ओवरसीज़ करता है, मैं बात करना चाहता था बट टाइम नहीं है। तो अगर आप भी किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास हर एक कंट्रीज़ के ऑप्शन अवेलेबल हैं जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाजी अज्ज के शो के आने। थैंक यू। धन्यवाद सारे दर्शकों का, अज्ज के शो में इतने खत्म करते हैं जी। दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।